नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। में जितेंद्र चौधरी, हम मौजूद है अजमेर लोकसभा सीट पर। हमारे साथ राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और अजमेर दक्षिण से चार बार के विधायक अनीता भदेल मौजूद है। हम इनसे जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की अजमेर लोकसभा के लिए क्या तैयारियां हैं, कितना चैलेंजिंग ये चुनाव होगा, 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार जीती थी इस रिपीट कर पाएंगी या इस बार क्या स्थिति है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। हाँ नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान की रचना की, उस संविधान के कारण से ही आज जो समाज का स्वरूप देखने को मिल रहा है वो अंबेडकर जी के संविधान के कारण से देखने को मिल रहा है। चुनाव की जहाँ तक बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस पिछले 70 सालों से राज किया, लेकिन कभी भी जनता को वो सुविधाएं देने की कोशिश नहीं की जो देनी चाहिए। जब से मोदी सरकार केंद्र में बनी है तब से ना केवल हम 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा माननीय अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान की ना केवल रक्षा की जा रही है बल्कि अक्षरश उसका पालन किया जा रहा है। जहाँ तक आरक्षण की बात है, मोदी जी की सरकार में मोदी जी स्वयं अनेकों बार ना केवल आरक्षण की पैरवी कर चुके बल्कि दलित और वंचित वर्गों के लिए काम कर चुके। मोदी जी ही प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी से जुड़े हुए 5 स्थान जो उनके जन्म से जुड़े थे, उनकी दीक्षा भूमि, उनकी शिक्षा भूमि, उनके निर्वाण स्थली, उन सबको पंच तीर्थों के रूप में विकसित करने का काम किया। तो यह मोदी सरकार जो दलितों की रक्षा करती है, वंचितों की रक्षा करती है और दलितों और वंचितों की रक्षा करते हुए देश को आगे बढ़ाने की बात करती है, तो निश्चित रूप से ये चुनाव हम जीतने वाले और बहुत प्रचंड बहुमत से अब की बार 400 पार के उस लक्ष्य के साथ जीत रहे हैं। अजमेर स्मार्ट सिटी है, सुंदर शहर है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है इस बार आपकी सरकार बनती है तो? देखिए हमारी सरकार प्रदेश में बन चुकी है और केंद्र में भी बनने वाली है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने वाराणसी के साथ पहली बार अजमेर को भी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। उस स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए के अमृत योजना में, चाहे वो सीवरेज का कार्य हो या पेयजल की व्यवस्था करने की बात हो, करोड़ों रुपए दिया, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की जो प्रदेश की सरकार है उन्होंने सारा पैसा भ्रष्टाचार में और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, अपने आइडियोलॉजी की पूर्ति के लिए उस पैसे को बर्बाद किया, जिसकी शिकायतें हुई। लेकिन अब मैं ये निश्चित रूप से मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है और वो डबल इंजन की सरकार आम जन की हितार्थ, आम जन की सुविधार्थ कार्य करने वाली है। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को अपना आइडियल मानती है, एक शिक्षक से पार्षद और फिर मंत्री विधायक, बेस्ट विधायक का अवार्ड प्रदेश में विपक्ष की सरकार होने के बावजूद, ये सफर कैसा रहा, कैसे शुरुआत हुई? देखिए जैसा आपने स्वयं कहा, मैं पहले पार्षद चुनी गई और पार्षद के बाद में नगर सभापति चुनी गई और उसके बाद में विधायक बनी और तीसरी बार विधायक जब बनी तो माननीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में मंत्री रही, फिर चौथी बार विधायक चुनी गई तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन विधानसभा के मंच का जनता के हित में उपयोग करना, जनता के मुद्दों को वहाँ बहुत संवेदनशीलता के साथ में उठाना और उनका समाधान करना, यह कार्य मेरा, यह मेरी कार्यशैली जो है उस मेरिट पर खड़ी उतरी जिस मेरिट पर सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना जाता है। और उसी कारण से कांग्रेस की सरकार होते हुए भी वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता मुझे मिला। मुझे अपनी पार्टी की इस छोटी कार्यकर्ता होने के नाते से फख्र है। मुझे अपने केंद्रीय नेतृत्व और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक नेतृत्व रहा है उनके आदर्शों से मैंने सीख लिए। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के केंद्र सरकार को भी देखा है, जब एक वोट से वो चुनी हुई सरकार हार गए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं चिमटे की नोक से भी ऐसी सरकार को छूना पसंद नहीं करूंगा, ये हमारे लिए जीवन में एक सीख दे करके गया। और वह सीख लेते हुए हमने अपनी विधानसभा में अपने विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया और उसी का परिणाम रहा कि 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक मुझे मिला। पहले आप शिक्षक थी, फिर राजनीति में आई,
बेटर क्या था, टीचर बेटर था या राजनेता? देखिए हर जगह अपनी अपनी अलग भूमिकाएं होती हैं। शिक्षक का पद बच्चों के निर्माण से संबंधित होता है, वहाँ भी मैंने बहुत मन से काम किया, बहुत सहृदयता से काम किया, इसलिए दीदी के नाम से मैं पहचानी गई। और वो दीदी जब चुनाव लड़ी तो दीदी के नाते से ही मुझे चुनाव में विजय हासिल हुई कि हमारी दीदी चुनाव लड़ रही है। कौन सी दीदी? जो हमें पढ़ाती हैं, पढ़ाने वाली दीदी चुनाव लड़ रही है। तो वो शिक्षक की भूमिका ने बहुत कुछ मुझे सहयोग किया, लेकिन राजनीति में आने के बाद जो सेवा भाव आप लेकर के आते हैं, वो सेवा करने का आपको और अधिक कार्य क्षेत्र आपका विस्तृत हो जाता है। आप राजनीति के माध्यम से अच्छी प्रकार से लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाती हैं। तो शिक्षिका के नाते से भी एक व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, एक बालक का निर्माण कैसे होता है, उस भूमिका को मैंने बखूबी निभाने की कोशिश करी। और एक राजनेता के नाते से भी अपनी जिम्मेदारियों को मैंने बखूबी निभाया है, और निभाते निभाते ही सीखने का भी जो अवसर है उसको मैंने प्राप्त किया है, क्योंकि हर छोटी सी चीज भी आपको सिखाती है। तो वो जो सीख हमें मिली है, वो सीख केंद्रीय नेतृत्व और हमारे संस्थापक नेतृत्व के द्वारा हमें मिली है, और उसी को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। महिलाओं की राजनीति में भूमिका आज तो बड़ी है, पर पहले कम हुआ करती थी। 2008 में जब आप पहली बार विधायक बनी, महिला होने के नाते आपको लगा नहीं कुछ कठिन था, कुछ समस्याएं थी, मुश्किल था चुनाव लड़ना जीतना राजनीति में? देखिए चौधरी साहब, आपको जानकारी नहीं है, मैं जानकारी बता दूं, मैं 2008 में नहीं, 2003 में पहला चुनाव लड़ी थी। ये मेरा पांचवा टर्म है। 2003 में नगर निगम के सभापति के पद पर रहते हुए ही मैंने पहला चुनाव लड़ा था। और मैंने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और इस कैडर बेस्ड पार्टी में हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान है, भान है, हर कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी बटी हुई है, उसके कार्यों का बंटवारा हो चुका है। तो 2003 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो वो कार्यकर्ता, चूंकि अपने कार्य के बंटवारे के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव में सक्रिय नहीं होती, लगातार 5 साल तक सक्रिय रहती है, और उसी का परिणाम रहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत हम 2003 का चुनाव जीते, कार्यकर्ताओं की बदौलत 2008 का चुनाव जीते, 2013 का, फिर 18 का, और फिर 23 का। ये पांचों चुनाव जो है वो काडर, जो पार्टी का काडर है, वो पार्टी का काडर अपने आप काम करता है। और चूंकि लगातार पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रहते हैं अन्य अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से, जनता के मुद्दों के माध्यम से, जनता की समस्याओं के समाधान के माध्यम से, तो वो कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। इसलिए लगातार 5 बार जीत भारतीय जनता पार्टी के खाते में अजमेर दक्षिण की दर्ज हुई है, और ये कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है। आप 2013 से 18 तक महिला एवं बाल विकास मंत्री ही, राजस्थान सरकार में काफी स्कीम्स आई, काम हुए, नंदघर योजना, 10,000 सेंटर्स आंगनवाड़ी के आपने स्थापित किए, लिंक किए, उसके बाद राजश्री योजना थी आपकी, करोड़ों की राशि बालिकाओं के खातों में 2 इंस्टॉलमेंट्स में गई। किस तरह की स्कीम्स थी वो, कितना सफल हुई, और क्या चेंजेस आए उसके बाद राजस्थान में महिलाओं की स्थिति? देखिए जो मैंने महिला और बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार जब मुझे मिला तो उस समय हमारे लिए बहुत चुनौती थी कि हम आंगनवाड़ी केंद्र जहाँ संचालित होते हैं वहाँ उनको स्वयं का भवन उपलब्ध करा पाएँ, उनकी ट्रेनिंग किसी तरह से बहुत अच्छे से हो। तो हमने एक नई योजना प्रारंभ की, नंदघर योजना। ये नंदघर योजना क्या है? नंदघर योजना ये थी कि नंद, जिस तरह से नंद के घर में कृष्ण जी का पालन पोषण होता है यशोदा मैया की देखरेख में, उसी तरह से हमारी जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनको पाठशाला के, नंदघर पाठशाला के रूप में विकसित किया गया। और समाज के सहयोग से, भामाशाओं के सहयोग से हमने उनमें मूलभूत सुविधाएं उत्पन्न कराई, हमने नंदघर बनाए, जमीनें आवंटन कराई, उनको उनके भवन तैयार किए, और भवन तैयार करने के बाद में वाटिकाएं बनाई गई तो बच्चों को खेल खेल में सीखने को मिले। और जिस तरह से यशोदा मैया ने जो कृष्ण जी को पालन पोषण किया, उसी तरह से हमारी आशा बहनें, हमारी आंगनवाड़ी बहनें उन छोटे बालकों को जो आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं उनको कृष्ण की भांति से लाड प्यार दुलार करके उनका पोषण करें, उनको संस्कार देने का काम करें। तो एक बहुत
संवेदनशीलता के साथ में इस कार्यक्रम को शुरू किया और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि बहुत सारे राजस्थान के असंख्य भामाशाहों ने इसमें बढ़ चढ़ कर ना केवल हिस्सा लिया बल्कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर, चाहे बच्चों को पोशाक देने की बात हो या कोई किट देने की बात हो, बच्चों को खिलौना, हमने खिलौना बैंक शुरू किया और उस खिलौना बैंक में हजारों बच्चों को खिलौने मिले। हमने उन खिलौनों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर सपोर्ट किया और भामाशाहों ने उन आंगनवाड़ी केंद्रों को अपने हाथ में ले लिया, जिससे वो आंगनवाड़ी केंद्र समाज की गतिविधियों का केंद्र बन गए। वहाँ बच्चे अब सहजता से आने लगे, बच्चों को आने में खुशी होने लगी और बच्चे खेल खेल में सीखने लगे। तो इस तरह से एक आंगनवाड़ी केंद्र को नंदघर के रूप में विकसित करते हुए यशोदा मैया और कृष्ण की भूमिका में वहाँ हमने आंगनवाड़ी केंद्रों को रखा और उसका बहुत ही सुखद परिणाम आया। लोग अब आंगनवाड़ी केंद्र की ओर आकर्षित होने लगे और महिलाओं को भी लगने लगा कि आंगनवाड़ी केंद्र ही हमारी समस्त गतिविधियों का केंद्र है, इसलिए हर छोटी बड़ी समस्या के लिए महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने लगी। जो आंगनवाड़ी केंद्र 6-6 महीने तक बंद रहा करते थे, खुलते ही नहीं थे उनके ताले, वहाँ आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब लोग सुविधाएं लेने आने लगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आने लगे। तो ये आमूलचूल परिवर्तन उस समय नंदघर योजना से हुआ। साथ ही जिस जो जिक्र आपने किया है राष्ट्रीय योजना का, वो राष्ट्रीय योजना माननीय वसुंधरा जी की देन थी, क्योंकि वसुंधरा जी चाहती थी कि बेटियों का कल्याण हो और बेटियों के कल्याण के लिए उन्होंने हमें एक स्कीम डिजाइन करने के लिए कहा और हमने जब स्कीम डिजाइन की तो उसको राष्ट्रीय नाम दिया गया। उस योजना में बेटी के जन्म से लेकर के बेटी के 18 वर्ष तक होने तक, या तो 18 वर्ष की होने पर या फिर उसके विवाह की उम्र तक, 12वीं क्लास पास होने तक, उसको एक निश्चित राशि देने का प्रावधान किया गया, जो पूरे जीवन भर उसकी 18 साल तक की होने तक या 12वीं कक्षा पास होने तक उसको 2,50,000 रुपए की राशि का प्रावधान था। तो बच्चियों के जन्म होने पर, जिन बच्चियों का जन्म होता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी, उसी के क्रम में ये योजना माननीय वसुंधरा जी लेकर के आए थे। चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि बेटियों को भ्रूण में ही हत्या नहीं की जाए, बेटियों को बचाया जाए, उनके जन्म को सुनिश्चित किया जाए, तो उनके जन्म को सुनिश्चित करने के लिए कि बेटियां जन्म ले, और तो उस बेटी के जन्म होने पर उस माँ को, उस परिवार को एक निश्चित राशि देने का प्रावधान किया गया। और फिर बेटी पढ़ाओ, तो यदि वो बिटिया जन्म लेने के बाद में 3 साल बाद या 5 साल बाद फर्स्ट कक्षा में प्रवेश करती है तो उसको पहली कक्षा के प्रवेश पर फिर दूसरी किस्त दी जाती थी, इसी प्रकार 6ठी कक्षा पास होने पर तीसरी किस्त और 10th पास होने पर चौथी किस्त, फिर 5वीं और 6ठी किस्त 12वीं पास होने पर उसको मिलती थी। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय योजना बेटियों को के जन्म को सुनिश्चित करती थी और साथ ही साथ बेटियों की पढ़ाई भी सुनिश्चित करती थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ये लाभ प्रदेश के लोगों को मिला और आज भी ये योजना बहुत कारगर तरीके से काम कर रही है। बीच में कांग्रेस की सरकार आने के बाद, अशोक गहलोत की सरकार आने के बाद, बेटियों को जो पैसा मिलना था वो धीरे धीरे उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने आवाज़ उठाई और बेटियों की इस मांग को कई बार विधानसभा में आवाज़ उठाकर, चाहे प्रश्न के माध्यम से चाहे और किन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से, हमने बेटियों को ये पैसा देना सुनिश्चित कराया और लगातार बेटियों को ये धनराशि मिल रही है। 2003 में आप विधायक चुनी गई पहली बार, अजमेर साउथ 2008 में अस्तित्व में आया, इसके कारण मुझसे एक भूल हुई, कहाँ से आप विधायक गई 2003 में अजमेर कंपाउंड पूरा? देखिए अजमेर, चूंकि परिसीमन लागू हुआ 2008 में, उससे पहले अजमेर में 2 विधानसभा सीटें हुआ करती थी, अजमेर पूर्व और अजमेर पश्चिम। अजमेर पूर्व आरक्षित सीट थी और अजमेर पश्चिम एक सामान्य सीट थी। तो अजमेर पूर्व में जो आरक्षित सीट थी, उस आरक्षित सीट से मैं चुनाव लड़ी 2003 में और हम विजयी रहे। फिर परिसीमन लागू हुआ और वो जो परिसीमन लागू होने के बाद अजमेर की पूर्व और पश्चिम की सीटें परिवर्तित होकर उत्तर और दक्षिण हो गई और दक्षिण सीट जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। तो अनुसूचित जाति के आरक्षित होने के कारण से 2008 से लगातार अभेद्य विधायक, अभेद्य तो नहीं कह सकते, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, क्योंकि हर बूथ पर कार्यकर्ता लड़ता है, डटता है। हर बूथ पर अनीता बदेल नहीं होती है, लेकिन हर बूथ पर बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव में खड़ा होता है और इस कारण से ये बीजेपी की संगठन की सोच, बीजेपी का कार्डर बेस
और संगठन के कार्यकर्ताओं को लगातार प्रशिक्षण देते रहना यह बीजेपी के कारण से संभव हो पाता है। विधायक रही, मंत्री रही, वसुंधरा राजे सरकार में, राज्य में आपकी सरकार है, मंत्री पद की आस थी आपको, क्या कैसा लगा जब गठन हुआ, उसमें आपका नाम नहीं था, बुरा लगा या किस तरह की भावनाएं थी? देखिए, दायित्व सौंपना प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व के हाथ में होता है ना, लेकिन मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मीडिया अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए है ना, हमने कहा है वो सबसे पहले हमने ही कहा है, देखिए हमारी बात सच हो गई है, तो मीडिया इस तरह के पूर्वानुमान लगाता रहता है ना, और पूर्वानुमान, चूंकि मैं 5वीं बार विधायक बनी थी तो मीडिया का पूर्वानुमान था कि शायद सीनियर होने के कारण से कोई दायित्व मिलेगा, पर भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा ना, एक काडर बेस्ड पार्टी है और जिस कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाता है, पूरी करता है। भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ताओं का बहुत महत्व है, पद एक बार आता है पर दूसरी बार नहीं होता, पद लगातार नहीं रहता है, ये सबको मालूम है। ऐसी स्थिति में मैं अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से निभा पाऊँ एज ए विधायक, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निभा पाऊँ, इस बात में मुझे संतुष्टि है और मैं संतुष्ट हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते से मुझे ना केवल संतुष्टि बल्कि मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं उन अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी में हूँ जिन्होंने सत्ता को ठोकर मार दी और ठोकर मारते हुए उन्होंने राष्ट्रनीति और राजनीति में मूल्यों की राजनीति करते हुए अपना एक मुकाम हासिल किया। क्योंकि चुनाव है अजमेर की जनता के लिए, अजमेर दक्षिण की विधायक का एक मैसेज इस चुनाव को मद्देनजर, देखिए चुनाव है और मैं तो अजमेर दक्षिण की जनता के साथ साथ समस्त प्रदेश की जनता को ये आह्वान करना चाहूंगी कि 500 वर्षों की लड़ाई के बाद में जिस राम मंदिर की संकल्पना को साकार जिन्होंने किया, भारत की एकता और अखंडता के लिए धारा 370 हटाई, जिन्होंने दलित वर्ग और हम जैसे अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए जिस सरकार में, मोदी सरकार में काम किया, विकसित भारत का संकल्प लेकर के जो चल रहे हैं, जिन्होंने हर घर को जल और हर व्यक्ति को मेडिकल की सुविधाएं पहुंचाने का काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, वंदे भारत योजना और देखिए ना जाने क्या क्या आमूलचूल परिवर्तन इस देश के विकास के लिए जो 24 घंटे संकल्पित होकर के श्रम करने में, कर्म करने में विश्वास करते हैं, ऐसे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करते हुए हम एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालेंगे और भाजपा को जिताएंगे, यही मेरी आप सबसे विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री और वर्तमान में अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता भदेल। बनी रही हमारे साथ अजमेर लोकसभा के और अपडेट्स के लिए।